हेलो बच्चों, एक बार फिर से आ गए हैं। हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाली जो शीट दी थी उसी का डिस्कशन चल रहा है। पिछले दो लेक्चर्स में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों ने करी हैं, अब थोड़ी बातें और भी आगे करते हैं। तो स्पेशली आज के क्लास में डायरेक्टिव इफेक्ट, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट के ऊपर बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हमने तुम्हारे लिए बना रखे हैं, और जिन बच्चों ने थोड़ा भी सीरियसली पीछे पढ़ा होगा उनको इन क्वेश्चंस में कोई भी परेशानी नहीं होती है। वो सीधे सीधे करते चले 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 जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ जो है गंदे बच्चे भी हैं जो केवल जो है हम लोगों को परेशान करते हैं, उन्हीं के लिए देखो फिर से सोल्यूशन। सो ड्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर फॉलोइंग, इन सबके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाना हमने तुम्हें सिखाया हुआ है। इसके अलावा ओपी सर ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ाया होगा, वहां पर उन्होंने भी तुम्हें जरूर सिखाया होगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देने के पीछे मेरा पर्पज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि तुम समझो कि दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक जो लोन पेयर डोनेट करेंगे बेंजीन रिंग को। जैसे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये भी डोनेट करेगा। तो कुछ ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग को लोन पेयर डोनेट करते हैं और कुछ ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप में देखा जाए सी डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा? तो आंसर है नहीं। ऑक्सीजन जो है लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा बल्कि पाई बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये है ऑक्सीजन के पार्टिसिपेट करने का तरीका। यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा चूंकि इसने कोई पाई बॉन्ड बनाया नहीं है, इसीलिए पाई बॉन्ड खींचे तो खींचे, कैसे खींचे? तो यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं बल्कि लोन पेयर डोनेट करेगा। और जब यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, स्पेशली पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो ये लोन पेयर नहीं डोनेट करेगा बल्कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। फिर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पीछे से बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच करके लाएंगे। शॉर्टकट में याद रखना चाहे तो हम लोग ये कह सकते हैं सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन बेटर है समझो, चूंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है ही नहीं ऑक्सीजन की तरफ से, इसीलिए ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को खींचे तो खींचे, कैसे खींचे? सो ऑक्सीजन रेजोनेंस में लोन पेयर डोनेट करके पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पर पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों है, जब दोनों रहेंगे तो ऑक्सीजन जो है पाई बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर तुम बनाओगे अच्छे से तो तुम देखोगे यहां पर भी जो नाइट्रोजन है, एक तरफ तो वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। और अच्छे से सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस पर एक माइनस होना चाहिए, इस पर एक प्लस होना चाहिए। फिलहाल इस पोर्शन को जस्ट इग्नोर करो, सिर्फ इस पोर्शन पर ध्यान रखो। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये बेंजीन रिंग से पीछे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो तुम देखोगे यहाँ पर माइनस आएगा, फिर और रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, और रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। सेम हियर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगला स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, और अगला स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पर प्लस आएगा। एंड सेम हियर, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो देखोगे आने वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर प्लस 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 आएंगे। और जहां जहां माइनस आता है हम कहते हैं वहां पर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और जहां जहां प्लस हो जाता है हम कहते हैं वहां पर लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। ये तो तुम समझते होगे ना, जैसे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो सोडियम पर प्लस आ जाता है, तो प्लस का मतलब तुमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो कुछ वैसा ही चीज, जब जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे हो तो क्लोरीन पर माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी इन जगहों पर, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी ही होनी है। तो जैसे अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे तो अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें कहां कहां रिएक्शन करना पसंद करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम ई प्लस से दिखाते तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स।
अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम कौन सी दुकान पर जाना पसंद करोगे, जहां पर वो चीज आसानी से ढेर सारा मिल जाए, या ऐसी जगह पर जाओगे कि दुकान वाला खुद पहले परेशान है, कहीं से और मंगाएगा, कहेगा बैठिए अभी अभी घंटे में मंगाते हैं तब आपको देते हैं, तुम ऐसी जगह जाना पसंद करोगे या फिर ऐसे दुकान पर जाओगे कि जहां पर चीजें आसानी से अवेलेबल है, बस तुम गए नाम लिया और उसने तुमको तुरंत दे दिया और तुम अपना काम किए। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेगा वहां जाएगा, या जहां इलेक्ट्रॉन मुश्किल से मिलेगा वहां जाएगा। ध्यान देना, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है, माइनस का चार्ज मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई चार्ज नहीं मतलब इसकी तुलना में यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये कहां पर इलेक्ट्रॉन लेने को जाएगा, यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, यहाँ ज्यादा है वहां जाएगा। और तुम लोग जानते हो कि बेंजीन रिंग में जो पोजीशंस होते हैं, यहाँ पर कोई भी ग्रुप एक्स वाई जेड अगर हम लगा दें तो हम कहते हैं पोजीशन 2, 3, 4, या इधर से भी काउंट करें तो 2, 3, 4, या OMP ऑर्थोमेटा पैरा, या इधर से भी काउंट करें तो ऑर्थोमेटा पैरा। तो ऑर्थो पर पैरा पर, मेटा पर मेटा पर, इन सब चीजों को पहचानना है। तो ये ऑर्थो ऑर्थो और ये पैरा है, और जहां पर कुछ नहीं लिखा है वो मेटा मेटा है। तो ऑर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज है, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो और पैरा से रिएक्शन करेगा। यहाँ पर भी वही बात है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा है, इसीलिए ऑर्थो और पैरा पर ही जाकर के रिएक्शन करेगा। इसमें देखोगे इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इस बार ये ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन नहीं करेगा, मेटा पोजिशन पर रिएक्शन करेगा। इसी को हम लोग डायरेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगा होता है तो रिएक्शन जो है ऑर्थो और पैरा पर होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा रहता है तो रिएक्शन ऑर्थो पैरा पर नहीं होता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है। तो जब ऑर्थो और पैरा पर नहीं होता है तब कहाँ होता है भाई, तब रिएक्शन मेटा पोजिशन पर होता है। तो हम लोगों को दो तरह के ग्रुप्स मिलेंगे, एक ऐसे ग्रुप्स जिनके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन करेगा, और एक ऐसे ग्रुप्स जिनके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन न करके मेटा पर रिएक्शन करेगा। तो फिलहाल इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना, ये तुम्हारा, ये तुम्हें पहले ही सिखाया जा चुका है। तो क्वेश्चन जस्ट दिया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, लेकिन इसके पीछे कहानी, हमें और भी बातें करनी थी, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन दिया था। सो इस क्वेश्चन का मकसद पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि इन सारे ग्रुप्स में से डायरेक्टिव ग्रुप्स, डायरेक्टिव इफेक्ट इनका पहचानना है। जैसे बेंजीन रिंग के साथ तुम इनमें से कोई भी ग्रुप लगा दो, कह दो हमने लगा दिया NH2 लगा दिया, तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां पर रिएक्शन करेगा, यहां पर रिएक्शन करेगा, यहां पर रिएक्शन करेगा, या यहां पर रिएक्शन करेगा, ऑर्थो पर, मेटा पर, या पैरा पर। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां 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 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो रिएक्शन यहां से होगा, यहां से होगा, यहां से नहीं होगा, तो ऑर्थो पर होगा, पैरा पर होगा। हमने CONH2 के बारे में सोचा, CONH2 में क्या है, यह है C डबल बॉन्ड O, इधर है NH2, ठीक। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, लेकिन इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग को नहीं मिल रहा है, उधर चला जाएगा, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटाओ। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बेंजीन रिंग से कनेक्शन है इसका, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कम कम, यहां ज्यादा और ज्यादा। तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब रिएक्शन करने की बारी आएगी तो यहां से रिएक्शन, यहां से रिएक्शन, या यहां से रिएक्शन, तो आंसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, मतलब रिएक्शन यहां से होगा, यहां से नहीं होगा, यहां से नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जैसा ऊपर कहा था फिर से वही बातें हमने एक बार और दोहरा दी तुम्हारे लिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स तुम्हें खोजने हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा, लोन पेयर है, डोनेट करेगा, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, क्लोरीन लोन पेयर डोनेट करेगा, फ्लोरीन लोन पेयर डोनेट करेगा। मिथाइल के पास लोन पेयर तो नहीं है, बट इट डज हाइपर कॉन्जुगेशन। मिथाइल में देखोगे CH, H और H, लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है। और ध्यान देना, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, साथ ही साथ दोनों तरफ के एटम्स ने इसको जोर से पकड़ रखा है। अगर हम इसकी तुलना इससे कर दें, नाइट्रोजन के लोन पेयर से कर दे, तो नियरली जो है दोनों में सिचुएशन एक ही जैसा है, या इसने लोन पेयर डोनेट किया और इसने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फालतू पड़ा था तो जल्दी से और आसानी से डोनेट कर देते हो, और ये इलेक्ट्रॉन का क्या है कि दोनों ने पकड़ करके रखा हुआ है, मजबूत बॉन्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो जब भी देखोगे रेजोनेंस अच्छा
स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा। रेजोनेंस में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट माना जाएगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो ये वीकर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट माना जाएगा। लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही आकर के रिएक्शन करेगा। तो ऊपर वाली लिस्ट के जितने भी ग्रुप्स है, ऊपर वाली लाइन के जितने भी ग्रुप्स है, OCS3 लोन पेयर, NH2 लोन पेयर, NHCOCS3 लोन पेयर, क्लोरीन लोन पेयर, फ्लोरीन लोन पेयर, मिथाइल कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। कहाँ बढ़ा देंगे? तो ऑर्थो और पैरा पर बढ़ा देंगे। ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन भी जो है ऑर्थो और पैरा पर ही होगा। तो इन सारे ग्रुप्स के प्रेजेंस में रिएक्शन जो है ऑर्थो पैरा पर होता है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है, हैलोरिन जब पढ़ा था तो हमने कहा था क्लोरोबेंजीन के साथ तुम रिएक्शन कराओगे तुम देखोगे कि क्लोरोबेंजीन का कुछ भी रिएक्शन करा लो, जैसे तुमने नाइट्रेशन करा लिया, क्लोरोबेंजीन का तुमने नाइट्रेशन करा लिया तो तुम देखोगे क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्लस क्लोरीन के पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। क्लोरीन का तुमने सल्फोनेशन करा लिया, सल्फोनेशन करा लोगे तो तुम देखोगे क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप और क्लोरीन के पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये रिएक्शन हम लोगों ने हैलोरिन्स में पढ़ा था, क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर हायर रहेगी, एंड दैट्स व्हाई इट्स डूइंग सो। तो ये ऊपर वाले सारे ग्रुप ऑर्थो पैरा वाले हैं, जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा ऑर्थो पैरा पर, और ये नीचे वाले सारे ग्रुप मेटा वाले हैं। सब में इसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड ओ, ये सब है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचा, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इसने भी इलेक्ट्रॉन खींचा, इसी तरह से ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पर प्लस का चार्ज ज्यादा आएगा, प्लस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल वहां रिएक्शन नहीं कर पाएगा और उसे मेटा पर रिएक्शन करेगा। CCl3 थोड़ा सा दूसरे टाइप का ग्रुप है, जैसे हम लोगों ने यहाँ CH3 को देखा था वैसे ही CCl3 को भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा बेंजीन और ये रहा CCl3, ठीक। हाइड्रोजन क्या कर रहा था, हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर डोनेट कर देते थे, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और बेंजीन रिंग से फिर इलेक्ट्रॉन लेकर गया होगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अपोजिट हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी वजह से यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा प्लस, ऐसा कह सकते हो, और कुल मिलाकर के जहां जहां प्लस आया है वहां वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आएगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, मेटा पोजीशन। तो यहां पर रेजोनेंस नहीं है, जैसे CH3 में रेजोनेंस नहीं था वैसे CCl3 में भी रेजोनेंस नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाई हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। सो जो हमने लिस्ट दिया था बस इतना ही शॉर्ट में कह देते हैं लास्ट में, ऊपर वाले लाइन के सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑर्थो पैरा, और नीचे वाले सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स बनेंगे। तो इन ग्रुप्स को समझो ना, याद रखने की कोशिश मत करना, समझो, याद रखने के चक्कर में रहोगे तो भूल जाएगा। फिर इन रिएक्शंस को मेरे को पूरा करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन का ही जस्ट रिपीटेशन है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, नाइट्रेशन एक बार यहां पर करा दो, एक बार यहां पर करा दो, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप से ऑर्थो पोजीशन पर चला जाएगा और दूसरे में जो है नाइट्रो ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप से पैरा पोजीशन पर चला जाएगा। और बहुत बार प्रश्न ये होता है कि ये ऑर्थो वाला ज्यादा बनेगा कि पैरा वाला ज्यादा बनेगा, और ये प्रश्न इतना आसान नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड रूल हम तुम्हें नहीं दे सकते। हाँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो शेयर कर सकते हैं जिनसे कभी कभी मदद मिल जाएगी, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती कि हम हमेशा नए केसेज में भी सही सही बात कर ही पाएंगे। तो देखो यहाँ दोनों ग्रुप पास पास है, पास पास है तो दोनों में लड़ाई होगी, मतलब दोनों में रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से ये इसके बगल में नहीं रहना चाहेगा, जबकि यहाँ पर क्या है ग्रुप दूर दूर है, दूर दूर है तो ये लड़ाई नहीं होगी, रिपल्सन नहीं होगा, तो आसानी से दोनों एक दूसरे के साथ रह लेंगे। तो इसीलिए ज्यादातर मौकों पर तुम देखते हो कि ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कम बनेगा, पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। स्पेशली ये जो पहले से लगा हुआ ग्रुप मिथाइल ग्रुप है या जो बाद में इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दोनों की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी, साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी दोनों में रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, साइज जितनी छोटी होगी रिपल्सन उतना कम होगा। जैसे अगर हम लोग
मिथाइल ग्रुप के साथ देखें, हम बेंजीन रिंग के साथ क्या करें, मिथाइल ग्रुप लगा दें, फिर बेंजीन रिंग के साथ हम इथाइल ग्रुप लगा दें C2H5, फिर बेंजीन रिंग के साथ हम लोग प्रोपाइल ग्रुप लगा दें C3H7 कह दो, ऐसा लिख देते हैं CH2CH2CH3। तो इसमें जो है ऑर्थो वाला प्रोडक्ट तुम देखोगे 60-70% बन जाएगा, पैरा वाला प्रोडक्ट 30% बन जाएगा। क्यों ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा बना, क्योंकि देखो इधर से रिएक्शन होगा तब भी ऑर्थो, इधर से रिएक्शन होगा तब भी ऑर्थो, तो कह दो 35% इधर से बना होगा, 35% इधर से बना होगा, कुछ ऐसा दो दो ऑर्थो है ना, इसीलिए ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कभी कभी ज्यादा मिल जाता है। तो उसके लिए रीजन ये है कि दोनों तरफ से रिएक्शन इसमें हो रहा है, इधर से भी रिएक्शन हो रहा है, इधर से भी रिएक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट इधर से बनेगा वही प्रोडक्ट इधर से बनेगा, तो कभी कभी ये ज्यादा दिख सकता है तुम्हें। पैरा वाला अब इसमें देखो ना, ये ग्रुप थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है, यहाँ अकेले रिएक्शन हो रहा है, फिर भी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट तुम देखोगे 50% ऑर्थो 50% पैरा। हम नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, किसी और रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन टू रिएक्शन भी चीजें बदलती रहती है। फिर जब ये प्रोपाइल ग्रुप लगा दिए, ग्रुप और बड़ा हो गया, दोनों तरफ रिपल्सन करेगा, तो इधर इधर मिला करके ऑर्थो रिएक्शन, यहाँ पर पैरा रिएक्शन, तो तुम देखोगे ऑर्थो पोजीशन पर जो है 30-35% रिएक्शन होगा और पैरा पोजीशन पर 65-70%, ऐसे ही हमने लिख दिया, हमको एक बिल्कुल बुक में लिख करके याद करके नहीं आया, बट फीलिंग इज सेम। यहाँ जब छोटा ग्रुप था तो ऑर्थो पर रिएक्शन ज्यादा हुआ, थोड़ा बड़ा बना दिया तो नियरली ऑर्थो पैरा पर 50-50 रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्थो पर कम रिएक्शन, पैरा पर ज्यादा रिएक्शन, क्योंकि बड़ा ग्रुप ज्यादा रिपल्सन करेगा। अगर हमें क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करने को चले जाए, ये रहा क्लोरीन और नाइट्रेशन करें, तो हम लोग देखेंगे ऑर्थो और पैरा पर ये माइनर प्रोडक्ट, ठीक, इस बार हम परसेंटेज भी नहीं लिख रहे हैं, ये मेजर प्रोडक्ट। यही हम लोग फिनॉल के साथ नाइट्रेशन करने चले जाए, तो फिनॉल में हम देखते हैं ऑर्थो जो है वो मेजर होता है और पैरा जो है वो माइनर होता है। तो मतलब स्पेशली फिनॉल के साथ कुछ ज्यादा ही लफड़ा है ना इसमें, तुम देखो कि कभी भी कोई भी, कभी ऑर्थो मेजर हो जाएगा, कभी पैरा मेजर हो जाएगा, थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर चीजों का एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे दो बार चार बार पढ़ोगे तो याद रहने लगेगा कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। हालांकि ये सब क्वेश्चंस किसी को तुमसे पूछने ही नहीं चाहिए, जहां पर कंट्रोवर्सी है, जहां पर बहुत ज्यादा मेमोरी का इस्तेमाल है, जहां तक कॉन्सेप्ट है वही क्वेश्चंस लोगों को तुमसे पूछने चाहिए, लेकिन लोगों की बुद्धि आजकल काम करती ही नहीं है, उनके पास प्रश्न बचे नहीं है, सारे प्रश्न जो है इतने दिनों से एग्जाम चल रहा है, सब पूछ पूछ करके हो गए खत्म, नए क्वेश्चंस बनाने के चक्कर में एंटीसेंट कुछ भी बना करके लेकर के चले जाते हैं कि कितना परसेंट ऑर्थो बना कितना परसेंट पैरा बना। कॉन्सेप्ट पूछो, कॉन्सेप्ट ना बताए तो गलती हमारी। अब तुम पूछोगे कितना परसेंट बना, तो अब बुक में 100 रिएक्शन है, 100 रिएक्शन का हम परसेंटेज याद करते फिर कि कौन कितना परसेंट बना। तो ये सब क्वेश्चंस बेकार है, लेकिन फिलहाल मैदान में कूद पड़े हो तो लड़ो लड़ाई। तो यहां तक तो ठीक है, मैथड से हमने रिप्लाई किया, यहां पर आकर के सब मैथड फेल। कभी कभी देखोगे ऑर्थो ज्यादा बन गया, कभी कभी देखोगे पैरा ज्यादा बन गया। फिलहाल नाइट्रेशन की केस में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो इस तरह से ऑर्थो पैरा में छोटा ग्रुप। अब ये जैसे हम लोग डायजोनियम के साथ रिएक्शन करा दे, हमारे पास फिनॉल रहे, हालांकि फिनॉल रिएक्शन नहीं करता है, फिनॉक्साइड आयन, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, इसका रिएक्शन हम जैसे C6H5N2+, ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये देखो बहुत बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन मिलकर के, देखने में भले ही छोटा सा लिख दिया लेकिन स्ट्रक्चर बनाओगे समझोगे तो बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, इसके लिए यहां आना मुश्किल है। ये नियरली 100% पैरा पर जाता है, नियरली जो है 100% पैरा पर जाएगा, थोड़ा बहुत कम भी होगा तो चलो फर्क नहीं पड़ता, चलो 95 कर देते, 95% पैरा पर जाता है, तो ये अगर इलेक्ट्रोफाइल काफी बड़ा है तो फिर वो ऑर्थो की तरफ देखेगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल यहां जाके मारपीट करना है क्या, दूरी बना करके रहेगा, तो ये पैरा पोजीशन पर जाना पसंद करेगा। तो इस वे में ऑर्थो पैरा का परसेंटेज डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने दिया था, तो इसके पीछे मेरा मोटिव ये था, बस तुम क्वेश्चन को ही मत देखना कि क्वेश्चन लग गया तो बात खत्म, क्वेश्चन के पीछे का जो मेरा मोटिव है वो देखो, हम तुम्हारे साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए दिया था कि पहले तुम अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश कर लो, देन आई विल कम इन टू। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो डेफिनेटली मेटा पोजीशन पर रिएक्शन होगा, बना डालो। अब इसमें क्या हमें कहना है, इनमें से काफी सारी चीजें ओपी सर ने तुम्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई होंगी, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें आती होंगी,
लेकिन चूंकि अब एक्सरसाइज बनाया है तो हमें पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक सब कुछ देखना पड़ता है कि क्या छूट, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसे कूदेंगे तो हमें खुद नहीं पता चलेगा कि हमने तुम्हें क्या पढ़ा दिया, क्या छूट गया। इसीलिए शुरू से लेकर के अंतिम तक सारे प्रश्न हमने शामिल किए। जो तुम्हें आता है ऑल द बेस्ट, जो नहीं आता है वो सीखते चले जाओ। क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, नाइट्रेशन होगा, ऑर्थो पर और पैरा पर दोनों पर होगा और पैरा वाला ज्यादा बनेगा। मिथॉक्सी एल्काइलेशन कराना है, इस पर माइनस इस पर प्लस, यही इलेक्ट्रोफाइल है, ऑर्थो पर रिएक्शन करेगा पैरा पर रिएक्शन करेगा और ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे और आई गेस पैरा वाला ज्यादा बनना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन जो है वो आकर के मेटा पोजीशन पर आकर के रिएक्शन करेगा, बस बात खत्म। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में भी काफी सारी बातें हम लोगों ने करी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन अच्छा है। जिन लोगों ने पहले कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा, जो बस मजे मारते रहते हैं क्लास में, उनको थोड़ा इसमें परेशानी होगी, और थोड़ा भी सीरियस बच्चा वो तो कर ही ले जाएगा। नाइट्रेशन कराओगे क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, डेफिनेटली नाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्लोरिनेशन कराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, वहां रिएक्शन नहीं होगा, तो अगला रिएक्शन मेटा पोजीशन पर होगा, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो NO2 के साथ मेटा पोजीशन पर क्लोरीन। और इसमें क्या करना है, इसमें पहले नाइट्रेशन फिर क्लोरिनेशन करना था, इसमें पहले क्लोरिनेशन फिर नाइट्रेशन करना है। क्लोरिनेशन करोगे तो क्या बनेगा भाई, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर नाइट्रेशन करोगे तो चूंकि क्लोरीन लोन पेयर डोनेट करेगा, इसलिए यहां 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 माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा, तो एक ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनेगा और दूसरा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और पैरा वाला प्रोडक्ट जो है थोड़ा ज्यादा बनेगा और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट थोड़ा कम बनेगा। एग्जैक्टली कितना परसेंट बना है उससे बहुत मतलब नहीं है। ओके, नाउ मूव अहेड। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना, अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ थोड़ा इधर उधर की चीजें भी हमने इन्वॉल्व करी है। ब्रोमिनेशन करोगे, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन होगा नहीं, रिएक्शन होगा मेटा पर, और जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में यहाँ डब्ल्यू की जगह आएगा, नाइट्रो ग्रुप ये रहा और यहां से ब्रोमीन मेटा पर आ गया। फिर आयरन HCl एंड बॉयल, आयरन HCl या टीन HCl ये क्या करते हैं, ये NO2 का रिडक्शन करके NH2 बना देते हैं, तो बस बात हुई खत्म। NO2 से बन गया NH2 और ब्रोमीन यही पर आ गया और ये रिएक्शन पूरा हुआ। अगला रिएक्शन मिथाइलेशन, क्लोरीन पर माइनस मिथाइल पर प्लस आएगा ये आगे चल करके, और ये इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो पर पैरा पर दोनों जगहों पर रिएक्शन करेगा, तो एक तो क्लोरीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल, दूसरा क्लोरीन के साथ पैरा पोजीशन पर मिथाइल, और उसके बाद तुम देखोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, पिछले वाले क्लास में दूसरे वाले पार्ट में हमने इसका डिस्कशन किया था, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मिथाइल को ऑक्सीडाइज करके COOH में बदल देगा, यहां पर भी मिथाइल को ऑक्सीडाइज करके COOH में बदल देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर पैरा पोजीशन पर क्लोरीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये दो प्रोडक्ट्स जो है हमें फाइनली यहाँ पर जेड की जगह मिलेंगे, क्योंकि ये ज्यादा था इसलिए ये भी ज्यादा बनेगा, ये कम है इसलिए वो भी कम बनेगा, एंड दैट्स ऑल, ये रिएक्शन भी पूरा हुआ। हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से ये सारी चीजें कैसे बनाओगे, तो मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन में क्या करना है, तुम्हें बेंजीन से पहुंचना है, बेंजीन से तुम्हें पहुंचना है कहां तक, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, तो एक नाइट्रो लगाना है एक क्लोरो लगाना है। अब तुम सोचो पहले ये लगा करके बाद में ये लगाए या पहले ये लगा करके बाद में ये लगाए, दोनों में से एक मेथड काम करेगा दूसरा मेथड गलत जगह ले जाएगा, तुम सोचोगे तो काम बन जाएगा, ऊपर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने किया है। पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मतलब बेंजीन से पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो बस तुम्हें इतना ही सोचना है कि पहले नाइट्रेशन करके ब्रोमिनेशन करे कि पहले ब्रोमिनेशन करके नाइट्रेशन करे, काम बन जाएगा अपने से सोचोगे। मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोएनिलीन बनाने में तुम्हें पापड़ बेलना पड़ेगा, मेटाक्लोरोएनिलीन कैसे बनाओगे, आई थिंक ऊपर हमने अभी यही वाला डिस्कस किया है, ये रहा है ना, मेटाब्रोमोएनिलीन यहां पर बना दिया है, हम यहां ब्रोमिनेशन की जगह क्लोरिनेशन किए होते तो इसमें मेटाक्लोरोएनिलीन बन गया होता,
तो मेटा ब्रोमोएनिलीन अगर तुम समझते हो तो मेटा क्लोरोएनिलीन इसी रास्ते से बनेगा, बस जहां यहां ब्रोमिनेशन किया है वहां पर क्लोरिनेशन करोगे, इसके अलावा इंस्टेंट रास्ता ट्राई करोगे तो काम नहीं बनेगा। सो ये मेटा क्लोरोएनिलीन बनाओ, पैरा ब्रोमोएनिलीन, अपने से सोचना पहले, जिसने ये वाला सिचुएशन सॉल्व कर लिया, जिसने इन दोनों सिचुएशंस को सॉल्व कर लिया वो इसको भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है, इसमें हम कुछ बताएंगे भी नहीं। फिर भी अगर किसी को बहुत परेशानी हो रही है, 7905216390 हमने बार बार नंबर दिया है, पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लोगे, क्योंकि ये परेशानी सबकी परेशानी नहीं हो सकती, कोई एकदम जो है उल्लू ही रहेगा तभी पूछेगा। चलो मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, अभी ये भी ऊपर हमने बताने की कोशिश करी है तुम्हें, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड ये बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, तो मिथाइल ग्रुप अगर लगा दिया जाए और मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो बेंजोइक एसिड बनेगा। मेटा पोजीशन पर क्लोरीन कैसे आएगा ये हम लोगों को सोचना है, तो लेट अस ट्राई, इसको हम लोग ट्राई करते हैं, यही थोड़ा सा जानने देखने लायक है। मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड मेरे पास है, बेंजीन, बेंजीन से मेरे को पहुंचना है कहां, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड, क्लोरीन एंड बेंजो, ऐसे लिख देते हैं, बेंजोइक एसिड एंड क्लोरीन। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, बेंजोइक एसिड आएगा कैसे, तो हम जानते हैं बेंजोइक एसिड आने के लिए कहीं ना कहीं मेरे को पहले मिथाइल लगाना पड़ेगा और मिथाइल का ऑक्सीडेशन करके यहां तक पहुंच सकते हैं, फिर इसमें क्लोरीन लगा दे तो बाद बन जाएगा। तो अब पहले ये लगाएं कि पहले ये लगाएं क्या करें वो मेरे को सोचना है। तीन स्टेप्स हैं, एक स्टेप है मिथाइलेशन, दूसरा स्टेप होगा मिथाइलेशन के बाद ऑक्सीडेशन, और तीसरा स्टेप होगा क्लोरीनेशन। मिथाइल ग्रुप लगाओगे तो बेंजीन में मिथाइल आ जाएगा, ऑक्सीडेशन करोगे तो मिथाइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्लोरीनेशन करोगे तो क्लोरीन आ जाएगा। यही तीन स्टेप्स करने हैं, कौन पहले करना है कौन बाद में, पहले ऑक्सीडेशन कर दे क्या, नहीं हो ही नहीं सकता, अरे मिथाइल का ऑक्सीडेशन करना तो पहले तो मिथाइलेशन करोगे ना, तो ये दोनों एक साथ तुम्हें करने पड़ेंगे, मिथाइलेशन ऑक्सीडेशन करके क्लोरीनेशन कराए या क्लोरीनेशन करने के बाद मिथाइलेशन और ऑक्सीडेशन कराए, अपने से सोचोगे बात बन जाएगा। तो पहले मिथाइलेशन करा लो फिर ऑक्सीडेशन करा लो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा, मिथाइलेशन करा लिया ऑक्सीडेशन करा लिया तो बना लिया बेंजोइक एसिड। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है तो अगला रिएक्शन मेटापोजिशन पर होगा ही होगा, तो तुम्हें ऐसे होकर के जाना पड़ेगा, पहले मिथाइलेशन फिर ऑक्सीडेशन फिर क्लोरीनेशन करोगे तब यहां तक पहुंचोगे। यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें प्लान करनी थी, पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड पूरी तरह से अपने से सोचो। आइडेंटिफाई एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, इसमें एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तुम्हें खोजना है, कौन एक्टिवेट करेगा कौन डीएक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कोई मुश्किल तुम्हें तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं है, जो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग क्या होता है, एक बार जस्ट एक मिनट बोल लेने दो मेरे को उस पर। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो बेंजीन रिंग जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है, तो हम कहते हैं एक्टिवेट हो चुका है। अगर तुम कोई काम जल्दी जल्दी करते हो मतलब क्या है, तुम एक्टिवेटेड हो, खूब जल्दी जल्दी मन लगा करके काम कर रहे हो। अब वही तुम्हें दिया है क्वेश्चन करने को, तुम इधर उधर गर्दन हिला रहे हो और आधे घंटे से बेवकूफ बना रहे हो, तो डीएक्टिवेटेड हो तुम। इसी तरह से बेंजीन रिंग के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगा दोगे तो वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, फटाफट इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा कि जल्दी आओ भाई मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है हम तुम्हें देना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल से जल्दी जल्दी रिएक्शन करें। अब यही क्या है कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच ले, हम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा करके रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींच ले, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन है नहीं ज्यादा, उधर से इलेक्ट्रोफाइल भी आ रहा है कि हमको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब मेरे पास खुद नहीं इलेक्ट्रॉन है तो तुमको कहां से देंगे, अब डीएक्टिवेटेड हो चुका है, जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दे आर एक्टिवेटिंग, कभी कभी एक्सेप्शंस मिलेंगे उनकी बात हम लोग भी कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दे आर डीएक्टिवेटिंग। क्यों डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं और रिंग काम कर अच्छे से नहीं कर पाएगा, और ये क्या करते हैं बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो खुश रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा कि जल्दी आओ मेरे पास खूब इलेक्ट्रॉन है मैं तुमको देना चाहता हूँ, रिएक्शन जल्दी से होगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अब उसका खुद ही तुमने खून खींच लिया, वो क्या किसी को डोनेट करेगा, समझ रहे हो ना, खुद ही बेचारा अपनी जान के पीछे मतलब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तो बेंजीन रिंग से तुमने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन अच्छे से है नहीं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने आएगा तो वो उसके साथ जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन है,
लोन पेयर सब लोन पेयर डोनेट करेंगे, जहां भी ऑक्सीजन है जहां भी नाइट्रोजन है, और ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया इन्होंने। मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप अभी भी हमने सीखा है कि वो लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन मिथाइल क्या करता है, हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए या रेजोनेंस हो जाए, उससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये सब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और एक्टिवेट कर रहे हैं। और नीचे वाले सब सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड ओ, सब में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। और सी सी एल थ्री में हालांकि यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड को खींच करके अपोजिट या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और बेंजीन रिएक्शन में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिंग को एक्टिव बना देंगे, और ये सब इलेक्ट्रॉन खींच करके रिंग को इनएक्टिव बना देंगे। तो ऊपर वाली लाइन पूरी की पूरी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की, और नीचे वाली लाइन पूरी की पूरी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की। इसमें एक एक्सेप्शनल केस ऑफिसर तुम्हें जरूर पढ़ाए होंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों को उन्होंने एक ही साथ निपटा दिया होगा। यहाँ पर हम सिर्फ क्लोरीन की बात कर लेते हैं, हैलोरिन्स में ये बात करी भी थी, लेकिन फिर भी जस्ट वन मिनट मोर। क्लोरीन लोन पेयर डोनेट करता है, तो डोनेट करता है तो ऐसा लगता है कि एक्टिवेटिंग होगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो रिएक्शन ऑर्थो पर होगा, ऑर्थो पर होगा, पैरा पर होगा। साथ ही साथ लोन पेयर डोनेट करेगा तो तुम्हें लगेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरीन वीक डीएक्टिवेटिंग है, क्लोरीन जो है वीक डीएक्टिवेटिंग है। ये वीक डीएक्टिवेटिंग क्यों है, आंसर इज वेरी इजी। क्लोरीन देखो एक तरफ तो ये, एक तरफ ये क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट लगा करके इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है। यहां पर डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी काम कर रहा है। डोनेटिंग ग्रुप कैसे, बाय रेजोनेंस प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बाय रेजोनेंस, माइनस आई, माइनस मतलब खींच रहा है, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है। तो इसके दोनों इफेक्ट एक साथ है, और नॉर्मली नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट इतना छोटा है कि हम रेजोनेंस के आगे उसका नाम ही नहीं लेते हैं। इसलिए ऊपर वाले केसेज में जहां जहां रेजोनेंस काम कर रहा था, यहाँ रेजोनेंस था, यहाँ रेजोनेंस था, रेजोनेंस था, रेजोनेंस था, रेजोनेंस था, हमने इंडक्टिव इफेक्ट का कोई नाम ही नहीं लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट भी है, बट इंडक्टिव इफेक्ट इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड, वो भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है ना। अब जैसे कहीं से तुम देखो तुम्हें जो है बड़ा सा खजाना मिल गया, उधर से कोई पांच रुपए भी तुम्हारे लिए लेकर के चला आ रहा है कि लो भाई पांच रुपए हम भी दे रहे थे, तुम कहोगे अरे यार ये क्या परेशान कर रहा है, ठीक, लेकिन ठीक है चलो खैर पांच रुपए भी आने दो। तो वैसा ही इंडक्टिव इफेक्ट बस वही पांच रुपए वाला इफेक्ट है, पांच रुपए से ज्यादा नहीं, और इधर ये खजाना मिल रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, खजाने के सामने ये पांच रुपए को कौन देखता है, लेकिन यहाँ क्या है, खजाना खोला तो देखा उसमें कुछ है ही नहीं, डब्बा खोला खजाना खोला उसमें से कुछ निकला ही नहीं। तो क्लोरीन लोन पेयर डोनेट जरूर कर रहा है, लेकिन है क्या कि क्लोरीन का लोन पेयर डोनेट करना उतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं इफेक्टिव है भाई, क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल होता है, कार्बन का 2p ऑर्बिटल होता है, इसीलिए लोन पेयर अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा। यही अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होता, जैसे OH होता या NH2 टाइप की चीजें होती, तो यहां पर क्या है, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर तुम देखोगे 2p और 2p में होता है, और कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट है। तो 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन का लेन देन आसानी से हो जाएगा, क्यों, जैसा ऑर्बिटल यहाँ वैसा ऑर्बिटल यहाँ, बराबर साइज के, फटाफट लेन देन हुआ, ठीक। और यहाँ क्या है, छोटा ऑर्बिटल, और यहाँ क्या है, बहुत बड़ा ऑर्बिटल। अब इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन आना जाना जो है मुश्किल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस अच्छे से काम नहीं करता है। तो क्लोरीन के केस में रेजोनेंस अच्छे से काम नहीं करता है तो पांच रुपए की भी वैल्यू यहाँ हो जाती, नहीं तो खजाने के सामने पांच रुपए कोई पूछता है क्या। तो यहाँ पर देखने में लग रहा है कि खुलेगा डब्बा तो बड़ा खजाना मिलेगा, लेकिन जब डब्बा खुला तो दिखा कि यार दरवाजा इतना बड़ा था और खजाना अंदर कुछ नहीं निकल रहा है, ठीक। तो ये क्लोरीन जो है लोन पर डोनेट करने के बावजूद बहुत अच्छे से रेजोनेंस दिखा नहीं पाता, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट को काम करने का मौका मिल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है थोड़ा सा ही, इधर ये डोनेट कर रहा है, इधर ये खींच रहा है थोड़ा सा, इसलिए हमने कहा कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो है वीक डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो अगर हमारे सामने प्रश्न ये आ जाए कि बेंजीन तेजी से रिएक्शन करेगा कि क्लोरोबेंजीन तेजी से रिएक्शन करेगा, तो हम कहेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी थोड़ी सब जगह कम कर दो, तो ये जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा, ये धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो गई, देखने में लग रहा है कि डोनेट कर रहा है लेकिन डोनेट करने के साथ खींच भी रहा है, रेजोनेंस कमजोर, इंडक्टिव इफेक्ट मजबूत।
दिया कम लिया ज्यादा, या कम लिया ज्यादा, तो कुल मिलाकर के हुआ ये कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्लोरोबेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा, ये धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। हालांकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी जरूर हमने आगे दिया ही होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं आया, आता ही होगा, नहीं आता होगा, कभी कभी नहीं भी आता है, भूल भी जाते हैं। इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिवेटिंग पावर, कौन कैसे एक्टिवेट करेगा, तो इन सबका एक्टिवेटिंग पावर अगर मेरे को चेक करना है तो कैसे चेक करें, यहाँ पर ओ है, ओ के साथ सी एस थ्री, चलो एल्किल ग्रुप लिख दिया, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। फिर एन है, एन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है। कौन लोन पेयर अच्छे से डोनेट करेगा भाई, ये कि ये, तो हम जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो अच्छे से डोनेट करेगा, ये अच्छे से डोनेट करेगा, ये उतने अच्छे से डोनेट नहीं करेगा। अभी इसके पीछे NHCOCH3 कर दिया है, तो ये हो गया N, N के साथ इधर एक H, इधर एक COCH3, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये डोनेट कर रहा है, लेकिन ध्यान देना इसका लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग के साथ तो बिजी है ही है, ये लोन पेयर उधर भी जाएगा, मतलब एक साथ दो दो बिजनेस, इधर भी अपना चाय समोसा बेच रहा है और उधर जो है नमकीन बिस्किट भी बेच रहा है, समझ रहे हो ना, एक साथ दो दो बिजनेस, इसके साथ भी बिजनेस, इसके साथ भी बिजनेस, तो इन दैट सिचुएशन ये बेंजीन रिंग पर उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। वैसे भी ये बड़ा ग्राहक है, जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देख रहे हो ना, सी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये डोनेट करेगा, ये खींचेगा, दोनों का अच्छा जो है संग साथ हो जाएगा, तो ये मोस्टली अपना लोन पेयर उधर, कह दो अपना लोन पेयर 80% उधर डोनेट करेगा और 20% इधर डोनेट करेगा, कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है ना, तो ऐसा किसी बुक में मिलेगा, जस्ट बाय एक्सपीरियंस कि चलो उधर ज्यादा इधर कम, तो यहां पर लोन पेयर 100% काम कर रहा है, यहां पर लोन पेयर 100% काम कर रहा है, यहां पर लोन पेयर 20% ही काम कर रहा है बेंजीन रिंग के लिए, बाकी 80% उसके साथ गया, तो इस हिसाब से देखोगे तो ये सबसे अच्छा डोनर, ये दूसरे नंबर का डोनर और ये तीसरे नंबर का डोनर हो जाए। OH में क्या है, OR और OH दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेटर डोनर होता है, ये लोन पेयर डोनेट करता है तो पीछे हाइड्रोजन जो है जैसे ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा ना, जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा तो हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ करके ये प्लस H को भी दिया जा सकता है, तो ये हाइड्रोजन जो है इसमें से प्लस चार्ज जो है कुछ अपनी तरफ भी ले सकता है, या जो भी कहो, ये रीजन में भी बहुत अच्छा रीजन ना हो, लेकिन फैक्ट जो है वो यही है, ठीक, फैक्ट यही है, इसकी तुलना में ये बेटर डोनर है, रीजन तुम जो भी अपने से बनाओ इसका रीजन, ठीक, हम नहीं देते, छोड़ दो मेरा रीजन, भूल जाओ, अपने से सोचो जो रीजन सोच सकते हो, नहीं भी याद आ पाया रीजन तो ये क्वेश्चन ही तुम्हारे लिए एग्जाम में काम कर जाएगा कि इसकी तुलना में ये अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, क्यों अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, खोजते रहो। तो अब अगर हम लोग बात करें तो इन चारों में बात करें तो सबसे खराब ये, सबसे अच्छा ये, सबसे खराब सबसे अच्छा, सबसे अच्छा क्यों, क्योंकि लोन पेयर आसानी से डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, राइट, ये सबसे खराब क्यों, क्योंकि लोन पेयर इधर 20% उधर 80%, ये सबसे अच्छा, ये सबसे खराब, ये दोनों बीच में, और इन दोनों में कौन आगे पीछे, तो ये पीछे ये आगे, ये अच्छे से डोनेट करता है, ये कम अच्छे से डोनेट करता है, इसके लिए हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, कभी कभी एक्सप्लेनेशन ना देना ज्यादा बेटर होता है, अंटसंट चीजें जोड़ने से बढ़िया है कुछ मत बताओ, क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रहने दो, एग्जाम में तुमसे क्या पूछेंगे, यही पूछेंगे ना, चारों में से कौन अच्छा डोनेट करेगा वो मेरे को पता है, उसका आंसर नहीं पता जाने दो, देखा जाएगा फिर कहीं दूसरे मौके पर, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं खड़ा करना चाहते, इसलिए इसका आंसर नहीं दे रहे। OCOCH3 बेंजीन के साथ तुम लगा दो ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन के पीछे COCH3, तो एक तो ऑक्सीजन लोन पर बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, दूसरा इसका लोन पर इधर भी जाएगा, फिर से कुछ ऐसी ही बातें, तो डेफिनेटली इसके भी पीछे ही आएगा, ये सबसे पीछे चल रहा था, अब ये उसके पीछे आकर के ये खड़ा हो गया, और फिर ये मिथाइल, मिथाइल क्या करेगा, ये हाइड्रोजन डोनेट करता है, मतलब हाइड्रोजन की मदद से हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, तो ध्यान देना इन सब में लोन पेयर है, ये सब डोनेट करेंगे लोन पेयर, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये सबसे पीछे गया, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स में सबसे पीछे चला जाएगा, तो सबसे आगे कौन, ये रहा, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर ये दोनों आ जाएंगे, चौथे नंबर पर ये आ जाएगा, पांचवे नंबर पर ये आ जाएगा, छठे नंबर पर ये आ जाएगा, और सपोज इसी में हमने क्लोरोबेंजीन भी तुम्हें दे दिया होता, क्लोरीन भी इसी में देखो, तो
तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन हल्का सा हल्का हल्का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये सबसे पीछे एकदम पीछे लगा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लिस्ट में ही नहीं आएगा, तो इसको लिस्ट से बाहर। तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे थोड़ा बहुत और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हालांकि सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डीएक्टिवेटिंग पावर, डीएक्टिवेटिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सजाना है। इनका डीएक्टिवेटिंग पावर मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना बेंजीन रिंग के साथ, तो लगा दो इसको सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक, ये डेफिनेटली ओपी सर ने तुम्हें क्लास में पढ़ाया होगा, लेकिन उन्होंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पर पढ़ाया है तो वो यहां तो काम करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी नाम पर पढ़ो काम तो करेगा ही करेगा। तो सर ने तुम्हें पढ़ाया है कि ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा, और इसमें देखोगे तो इसमें भी सिचुएशन वैसा ही है, CO OCH3। ठीक, तो ये दोनों साथ में खेल रहे हैं, तो मैं ऐसा समझो दोनों साथ में खेल रहे हैं। अब ये कहता है मेरे साथ भी खेलो, ये लो, ये दोनों साथ में खेल रहे थे, कह रहा नहीं मैं मेरे साथ भी खेलो। तो डेफिनेटली जब ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से अकेले खींचता तो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन जोर से खींच ले जाता, लेकिन अभी ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लो मेरा भी बॉल पकड़ो, ये दोनों बॉल बॉल अपना खेल रहे थे, इसने बॉल दिया इसने बॉल लिया कुछ ऐसा। ठीक, दोनों को अच्छे से खेल रहे थे, तब तक ये लो भाई मेरा भी बॉल पकड़ो, डेफिनेटली इसका बॉल छूट छूट जाएगा। तो होगा क्या, इसकी वजह से इधर वाला खेल खराब हो गया, तो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इधर वाला इफेक्ट कमजोर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींच रहा है क्योंकि इसको बेंजीन रिंग के साथ ही केवल खेलना है, इसमें क्या बेंजीन रिंग के साथ भी खेल चल रहा है, इधर ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ भी खेल चल रहा है, तो सी डबल बॉन्ड वो पूरे पावर से बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, क्या तो इसका पावर दोनों तरफ डिवाइड हो गया, अगर आधा आधा भी डिवाइड हो गया तो इसका पावर अब बेंजीन रिंग पर उतना काम नहीं कर रहा है। फिर उधर नाइट्रोजन कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, ये मतलब ये सी डबल बॉन्ड ओ है तो बेंजीन रिंग से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, दोनों आपस में खेल रहे थे तब तक नाइट्रोजन लेकर चला है अपना भी बॉल कि ये लो मेरा भी बॉल, हम भी इसी में खेलेंगे, मेरा भी बॉल पकड़ो नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। तो इसने भी लोन पे डोनेट किया और ये उधर ही जा रहा है, इसने भी बॉल फेंका ये भी उधर ही जा रहा है, इसको दोनों का बॉल कैच करना है, तो जाहिर सी बात है गड़बड़ तो होगा ही होगा। और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, ऑक्सीजन कम थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो वो लोन पे उतना आसानी से डोनेट नहीं करता है, नाइट्रोजन ज्यादा आसानी से लोन पे डोनेट करता है और उसको ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो ये अनडिस्टर्ब है, 100% बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा हुआ है। ये कह दो ऑक्सीजन ने 30% या 50% हमने कहा था ना 50% अटेंशन ऑक्सीजन ने इसका खींच लिया, कह दो यहां 70% अटेंशन नाइट्रोजन ने अपनी तरफ खींच लिया, नाइट्रोजन और जोर से लोन पे डोनेट कर रहा है, तो बेंजीन रिंग के लिए ये ग्रुप सिर्फ 30% काम कर रहा है, यहाँ बेंजीन रिंग के लिए 50% काम कर रहा है, यहाँ बेंजीन रिंग के लिए 100% काम कर रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन। ठीक, ये सारे वैल्यूज कोई कैलकुलेशन से नहीं आए, बस ऐसे तुमको समझाने के लिए हमने कुछ फिगर्स रख दिए। तो यहाँ पर ये सबसे स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ये उससे कमजोर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ये उससे भी कमजोर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ठीक, हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इन सबसे मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, अगर हमने कहीं रिएक्शन पढ़ा है बुक में पढ़ा है कहीं किसी ने एक्सपेरिमेंट करके चेक किया हो तभी इस बात को आंसर कर पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि इन पांचों ग्रुप्स में नाइट्रो ग्रुप सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ठीक, नाइट्रो ग्रुप सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो इन पांचों में सबसे पावरफुल कौन, नाइट्रो, साइनाइड को यहां से हटा देते हैं ना, एक कॉम्प्लिकेशन खड़ा करेगा तुम्हारे लिए, रिमूव इट, जरूरत नहीं इसको, इस क्वेश्चन में से उड़ा दो, मान लिया क्वेश्चन इतना ही है सबसे पावरफुल और फिर इन तीनों का क्रम हमने देख लिया, जरूरत हमें इसी पार्ट की एग्जाम में हमेशा पड़ती रहती है, तो बस उतना ही काम जितना जरूरी, साइनाइड को फिर कहीं दूसरे किसी मौके पर हैंडल किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट हैलोजन्स, वही हैलोजन बोले तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह वगैरह, इनके लिए क्या सही है, हैलोजन्स डोनेट लोन पेयर, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है ना, आंसर है यस, बेंजीन रिंग को लोन पेयर डोनेट करता है, एंड वी हैव एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीन पोजिशन पे ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर रिएक्शन करेगा, मतलब करेक्ट है। हैलोजन्स हैव वीक डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, इनका असर कैसा होता है, दे हैव वीक
डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, मतलब अभी अभी क्लोरीन के बारे में बात करी थी कि क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, खींच भी लेता है, और रेजोनेंस अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो एक्टिवेटिंग होने की जगह वीक डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है। और ये चीज सारे हैलोजन्स के लिए, फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए, चारों के लिए काम करता है कि चारों ही हैलोजन्स रेजोनेंस भी करते हैं और जोर से इलेक्ट्रॉन खींचते भी है इंडक्टिव इफेक्ट लगा करके। तो ये सारे के सारे दे आर वीक डीएक्टिवेटिंग, तो दे आर वीक डीएक्टिवेटिंग, वही पॉइंट हमने लिख दिया है। हम चाहते थे कि दोनों पॉइंट अगर तुम अच्छे से कहीं नहीं ध्यान रख पाए हो तो अब ध्यान रखना, तो ये सेकंड चांस तुम्हें मिल रहा है, अब मत रोना कि अब भी नहीं आ रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फेल टू अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, एकदम सुपर क्वेश्चन, बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं करेगा, तो ध्यान देना। फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन होता क्या है, पहले हम लोग एक रिएक्शन बोर्ड पर लिख लें, जैसे कोई एल्किल क्लोराइड ले लिया और AlCl3 ले लिया, तो होगा क्या, बेंजीन के साथ एल्किल ग्रुप आ जाएगा। कोई एसिल क्लोराइड ले लिया RCOCl और AlCl3 ले लिया, तो बेंजीन के साथ COR एसाइलेशन हो जाएगा ना, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन की खास बात यह है कि अगर मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते ही नहीं है। अगर बेंजीन के साथ पहले से एक मेटा डायरेक्टिव ग्रुप लगा हुआ है तो वो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप बेंजीन रिंग को रिएक्शन करने से हमेशा रोकेगा और रिएक्शन को डीएक्टिवेट कर देगा, रिएक्शन का रेट कम कर देगा, और जब भी मेटा डायरेक्टिव ग्रुप रहेगा ये दोनों रिएक्शंस नहीं हो सकते। तो इसमें तुम खोजो कहां कहां मेटा डायरेक्टिव है, टॉलुइन में मिथाइल ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, एनिसोल OCS3 होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, क्लोरोबेंजीन क्लोरीन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, नाइट्रोबेंजीन में, इसको इधर लिख देते हैं, एनिसोल में मिथॉक्सी ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप है, बोले तो मेटा डायरेक्टिव, बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिव, एनिलीन NH2 ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, एसिटनलाइड इसमें है NHCOCH3 ये ग्रुप होता है, इसका नाम भी लिखा है IUPAC मतलब IUPAC टाइप का, नॉट IUPAC, एनफिनाइल एसिटामाइड। तो अगर इनमें इन ग्रुप्स को देखोगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ठीक, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो ये रिएक्शन कर जाएगा इसका, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन कराओगे, यहां काम करेगा, यहां नहीं करेगा, यहां करना चाहिए फिर भी नहीं करेगा, ध्यान देना इस पर हम अभी आते हैं, और यहां काम करेगा। तो जो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स है वहां पर फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ये ग्रुप्स क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, और फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन जो है डीएक्टिवेटेड रिंग पर नहीं हो पाएगा, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप के साथ नहीं हो पाएगा। ये NH2 के साथ क्यों नहीं हुआ भाई, अगर हम ध्यान से देखें तो NH2 में क्या है, NH2 तो खूब अच्छे से लोन पेयर डोनेट करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, जब हम इसके साथ ये रिएक्शन कराने जाएंगे RCl एंड AlCl3 तो खूब आसानी से इस पर कह दो डेल्टा माइनस, इस पर कह दो डेल्टा प्लस, प्लस इसको आके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करना चाहिए। तो हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, मैकेनिज्म में क्या पढ़ा था कि ये AlCl3 क्या करता है, क्लोरीन को निकालने में मदद करता है, ये रहा RCl, ये रहा AlCl3, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो ये जाएगा RCl AlCl3 क्लोरीन पर आया प्लस, अब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये निकल जाएगा, तो इस पर प्लस आएगा और फिर ये बेंजीन रिंग से रिएक्शन करेगा। तो होता क्या है, नाइट्रोजन के पास भी देखो लोन पेयर है, और AlCl3 आकर क्या करेगा, AlCl3 क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से रिएक्शन कर जाएगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से रिएक्शन करेगा तो दो काम गड़बड़ हुआ, एक तो तुम्हारा AlCl3 जो है वो खर्च हो गया फालतू जगह पर, AlCl3 का काम क्या था, वो क्लोरीन को निकालने में मदद करेगा, AlCl3 नाइट्रोजन के साथ बिजी हो गया, इस पर प्लस और इस पर माइनस, एक तो AlCl3 तुम्हारा खराब हो गया, चलो ठीक है खराब हो गया कोई बात नहीं, जैसे हम घर पर जो है पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक की 2 बॉटल या 4 बॉटल लाएंगे, चलो पार्टी होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है, 2-4 बॉटल कोल्ड ड्रिंक गिर गई तो हम एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक लेकर के चलेंगे कि चलो ये गिर भी जाए कुछ भी हो जाए तो हम 4 की जगह 10 बॉटल कोल्ड ड्रिंक लेकर के चलते हैं ताकि कुछ भी हो जाए किसी को कोल्ड ड्रिंक कम ना पड़े। तो AlCl3 जो है
RCL के साथ रिएक्शन करना था लेकिन वो इसके साथ रिएक्शन कर गया, खराब हो गया, कोई बात नहीं, हम ज्यादा ले लेंगे, हम एक मोल की जगह दो मोल तीन मोल चार मोल ले लेंगे, अब तो होगा ना। लेकिन फिर भी इश्यू है कि जैसे ही यहां पर ये रिएक्शन हुआ नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज आ गया, अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट नहीं करेगा, बल्कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जोरदार इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा और रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। तो ये रिंग एक्टिवेटेड नहीं रहा, डीएक्टिवेटेड भी हो चुका है। एक तो AlCl3 खराब हुआ, दूसरा रिंग भी डीएक्टिवेट हो चुका है और अब ये इसका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान देना, हमने कहा था ना मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स वैसे तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं करते हैं, लेकिन एनिलीन में NH2 है और ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है लेकिन फिर भी ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं कर सकता। यहां पर इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसको एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए हम लोगों को, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है AlCl3 के साथ नहीं जाएगा। ठीक, नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले ही दो दो जगह बीजी है, अब AlCl3 आएगा तो ये लोन पेयर तीसरी जगह नहीं देखेगा, तो AlCl3 के साथ इस लोन पेयर का कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसीलिए AlCl3 यहां पर खराब भी नहीं होगा, रिंग को डीएक्टिवेट भी नहीं करेगा और ये जो है आसानी से इसके साथ फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन आसानी से कराया जा सकता है, नो इश्यूज। सो ये क्वेश्चन गहरा था थोड़ा। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस, ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे लिए खोज करके लाए हैं हम। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को पूरा करना है, नाइट्रेशन कराना है, दो ग्रुप्स एक साथ लगे हैं, ये भी एक्टिवेट कर रहा है ये भी एक्टिवेट कर रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से ये रेजोनेंस से, तो कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है, ये ज्यादा एक्टिवेटिंग या ये ज्यादा एक्टिवेटिंग, ये ज्यादा मदद करेगा कि ये ज्यादा मदद करेगा, आंसर है ये ज्यादा मदद करेगा, तो हम इसकी बात मानेंगे। इसके हिसाब से नाइट्रेशन इसके ऑर्थो पोजीशन पर, इसके ऑर्थो पोजीशन पर, इसके पैरा पोजीशन पर हो सकता है, इसका पैरा पोजीशन तो खाली ही नहीं है, तो नाइट्रेशन या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, दोनों इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब कोई भी एक जगह पर लिख दो, तो यहां पर लिखा नाइट्रो, यहां पर लिखा मिथॉक्सी और ये रहा। सेम हियर, क्लोरीन थोड़ा थोड़ा डीएक्टिवेट करता है, मिथाइल एक्टिवेट करता है, ध्यान देना क्लोरीन हल्का हल्का डीएक्टिवेटिंग है, मिथाइल एक्टिवेटिंग है, तो ब्रोमिनेशन मिथाइल के हिसाब से होगा। मिथाइल ग्रुप क्या जाएगा कि इसके ऑर्थो पर और पैरा पर रिएक्शन हो, पैरा तो ब्लॉक्ड है, इन्हीं दोनों में से किसी एक जगह रिएक्शन हो जाएगा, तो ये रहा मिथाइल, ये रहा ब्रोमीन आ जाएगा यहां पर और ऊपर एक क्लोरीन पहले से लगा था। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, ये परेशान करेगा ये मदद करेगा, तो हम किसकी बात करें, जो परेशान करेगा या जो मदद करेगा, तो आंसर है जो मदद करेगा उसकी बात सुनो, तो इसकी बात सुनेंगे, इसके हिसाब से नाइट्रेशन होगा, इसके ऑर्थो पर या इसके पैरा पर, पैरा खाली नहीं है सो ऑर्थो पर रिएक्शन होगा, ऑर्थो पर रिएक्शन होगा तो मिथाइल, एक नाइट्रो ऑर्थो पर आया और एक नाइट्रो जो पहले से लगा था वो तो लगा ही रहेगा, तो इसमें ये चीज मेरे को मिलेगा। क्लोरीन और नाइट्रो दोनों एक साथ, ये ज्यादा परेशान करेगा ये थोड़ा थोड़ा परेशान करेगा, तो किसकी बात सुने, जो थोड़ा थोड़ा परेशान करेगा उसकी बात सुनेंगे, इसके हिसाब से रिएक्शन होगा, इसके ऑर्थो पर या इसके पैरा पर, पैरा खाली नहीं है रिएक्शन ऑर्थो पर होगा। यहां पर फिर से वही बात, ये परेशान करने वाला ग्रुप, थोड़ा थोड़ा परेशान करने वाला ग्रुप और ये रिएक्शन को आसान बनाने वाला ग्रुप, तो हम इसकी बात सुनेंगे, इसके ऑर्थो पर और पैरा पर, यहां 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 रिएक्शन होगा, ये जगह खाली नहीं है, इन दोनों जगहों पर रिएक्शन होगा, दोनों जगहों पर रिएक्शन करा दे तो एक प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा, मिथाइल के बगल में नाइट्रो और ये क्लोरीन जो पहले से लगा है लगा दो, दूसरा प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा मिथाइल के, उधर नीचे लिखते हैं ना, उधर जगह की कमी पड़ रही है, मिथाइल के इधर इसके अपोजिट पैरा पर नाइट्रो और ये क्लोरीन जो पहले से लगा था वो लगा दो। ठीक, एक प्रोडक्ट ये भी मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट ये भी मिलेगा, ये वाला मेजर हो जाएगा, क्यों मेजर हो जाएगा, क्योंकि इधर भीड़ भाड़ की वजह से रिएक्शन करना बगल में मुश्किल है और यहाँ पर भीड़ भाड़ कम फेस करना पड़ेगा, क्राउडिंग कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से रिएक्शन यहां पर होगा और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसमें नाइट्रेशन करा, क्लोरीन की को देखकर कराए कि मिथाइल को देख करके कराए, तो ये थोड़ा थोड़ा परेशान करता और ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिएक्शन को आसान बनाता है, तो हम इसकी वजह से रिएक्शन कराएंगे और इसकी वजह से रिएक्शन ऑर्थो पर और इसके अपोजिट ये पैरा पर। ये पोजीशन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि देखो दोनों तरफ से भीड़ है और नाइट्रो ग्रुप को बीच में आना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से परेशानी फेस करना पड़ेगा, तो रिएक्शन यहां नहीं हो पाएगा, रिएक्शन होगा यहां पर और यहां पर।
और इन दोनों जगहों पर रिएक्शन होगा, कहाँ ज्यादा कहाँ कम इस बार गेस भी नहीं कर सकते हम लोग, होने दो दोनों जगहों पर। तो क्लोरीन और मिथाइल एक बार हाइड्रेशन यहां पर करा लिया, और क्लोरीन और मिथाइल एक बार हाइड्रेशन हमने यहां पर करा लिया, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन मेजर कौन माइनर इसकी लड़ाई में इस बार पढ़ते ही नहीं, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें इसकी लड़ाई में पढ़ने की। एक कोई पागल ही क्वेश्चन बनाने वाला मिल जाए तो फिर, लेकिन अब इतना डर कर पढ़ेंगे तो फिर हम कितने पागलों को हैंडल कर पाएंगे। सो जस्ट गो अहेड। ओके दिस रिएक्शन टू कंप्लीट। क्या क्या इसी में दे दिया यार, कितना रिएक्शन है अभी, फिर ये रिएक्शन, फिर ये रिएक्शन, अरे बाप रे बाप, अभी और भी रिएक्शन। बस तब बस 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 इस क्लास में इतना ही ना, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। भी जितना सिखाया उतना तुम लोग ध्यान में रखना, फिर जब अगले क्लास में मिलेंगे तो बचे हुए क्वेश्चन पर और भी काम कर लेते हैं। यहाँ पर रुकते हैं ठीक, इतने डिस्कशन पर इस क्लास को हम रोकते हैं, तो फिर से अगले क्लास में मिलेंगे तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक तुम अपना ध्यान रखो, फिर मिलते हैं, बाय बाय।